अंबाला कैंट में ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जीएसटी की जटिलताओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन सेमिनार का भी प्रोग्राम रखा है, जिसमें सरकार के साथ मिलकर जीएसटी में सुधार लाने के लिए बात रखी जाएगी। जीएसटी के जटिल होने से व्यापारियों को होती है परेशानी, व्यापारियों को नहीं समझ आती है जीएसटी। अंबाला कैंट में ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जीएसटी की जटिलताओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला कैंट के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि जीएसटी के जटिल होने के कारण व्यापारियों को बहुत परेशानी होती है, इसी को लेकर उन्होंने सरकार के साथ एक सेमिनार के आयोजन का भी प्रोग्राम रखा है, जिसमें व्यापारी जीएसटी को लेकर अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे। इसमें 50 लोग भाग लेंगे। बता दें कि व्यापारियों को जीएसटी समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से इन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सेमिनार में व्यापारी जीएसटी को आसान बनाने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाएगा, ताकि व्यापारियों की समस्या का हल हो सके। वहीं ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विकास सिंगला का कहना है कि व्यापार देश का एक महत्वपूर्ण अंग है, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो दोनों ही नहीं चल सकते। उन्होंने इसमें सुधार की जरूरत बताई है और कहा कि ये व्यापारियों की मांग भी है। उन्होंने कहा कि चेक को लेकर भी व्यापारियों की, इसके लिए सरकार को कड़ा कानून बनाए, ताकि जो चेक बाउंस हो उस पर कड़ी कार्यवाही हो। व्यापारियों को अवेयर करना, उनके राइट्स के बारे में बताना और ड्यूटीज के बारे में जागरूक करना, व्यापारियों को बता जो छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं जीएसटी में, जो अमेंडमेंट्स या जो चेंजेस आए उनसे अवगत कराना, जिनका व्यापारी को ध्यान रखना है, जो बेसिक चीज़ें एक बेसिक व्यापारी को करनी है उसके बारे में बताना, जो ई बिलिंग का कंसेप्ट आया है, ई वे बिल का कंसेप्ट आया, जो कंसेप्ट में व्यापारी को जहाँ जहाँ दिक्कत है, उसके जो भी चार्ट अकाउंटेंट होते हैं कई बार उनके पास पूरा समय नहीं होता, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्यापारी अपनी समस्या रख पाएंगे और उनको हम कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या का पूरा जवाब मिल पाए। इसके लिए दो हमारे पास सीएस हमने दिल्ली से लिए हैं, एक सीए अनूप गुप्ता है जो जीएसटी विशेषज्ञ हैं, जीएसटी पे काफ़ी समय से प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरे एचएल मदान हैं। एचएल मदान दिल्ली में टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं काफ़ी टाइम, और बहुत उनका एक्सपीरियंस है, ही इज़ हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 40 ईयर्स। तो एचएल मदान हमारे व्यापारियों के बीच में रहेंगे, जो हमारी छोटी छोटी समस्याओं को या बड़ी समस्याओं को जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस सेमिनार में ICI के जो प्रधान हैं अध्यक्ष सी अतुल गुप्ता जी, वो भी मौजूद होंगे, वो भी व्यापारियों को संबोधित करेंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। डीटीसी सुरेंद्र जी ने भी हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि वो फिजिकली प्रेजेंट होंगे। जैसे कि लगभग 50 के आसपास लोग इसमें रहेंगे, जैसे हमें गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी उसी हिसाब से हम व्यापारियों को इसमें शामिल करेंगे। वेलफेयर सोसाइटी अंबाला की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और ये जीएसटी के संबंध के अंदर है ये, और ये सोमवार को है और लोड महावीर जयंत 19 जून के अंदर है ये, और सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर होगा। समय इसके अंदर 10:30 से 12 बजे का है और ये टोटली प्रोग्राम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। और इसके बारे में जो इसके जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं ललित जी हैं, वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमारे सभा के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो इसके संबंध में आगे की जानकारी आपको ये सारी देंगे विस्तार से। जीएसटी के अंदर कुछ जटिलताएं हैं जो व्यापारियों को नहीं समझ आ पा रही हैं हमको, तो उसके लिए ही हमने एक सेमिनार आयोजित किया है। व्यापार एक देश का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, अगर वो अंग ठीक से नहीं काम करेगा देश और व्यापारी दोनों ही नहीं चल सकते, तो इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है और व्यापारियों की मांग भी है जीएसटी के लिए, तो उसकी जटिलताओं को दूर करने के लिए हमने वेबिनार आयोजित किया है। तो इसके लिए हम लोग किसी भी व्यापारी को कुछ भी जीएसटी का नहीं समझ आता, तो इसके अंदर कई जटिलताएं हम भी एक व्यापारी हैं कि हम भी जैसे ऑनलाइन बिलिंग होता है तो हमारा वो बिल अगर दूसरा व्यापारी से हम परचेज करते हैं तो वो पोर्टल पे नहीं शो होता, तो उसके अंदर कुछ टैक्सेस के विषय में कहीं हमारी संबंधित वो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए हमने ये चीज़ें रखी हैं। कुछ एक टैक्स का भी हमारे यहाँ व्यापारी को दिक्कत आ रही है, जैसे व्यापारी चेक काटता है तो व्यापारी को कैश के अंदर हम ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, अगर हम चेक के अंदर वो पेमेंट लेते और देते हैं तो उसके अंदर व्यापारी का चेक बाउंस होने के बाद उसके अंदर हमारी वो पेमेंट फिर भी नहीं आती, तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड भी इस एक वेबिनार में रखना चाहते हैं कि चेक के प्रति ये कड़ा कानून बनाना चाहिए इसके लिए। तो इसी संबंध में ये कई व्यापारियों की समस्याएँ हैं, उसको लेकर ये हमारी संस्था ये कर रही है और एक व्यापारियों का संगठन है और इसके लिए ये डिमांड आ रही थी, तो उन्हीं की मांग को खाते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा है।